बहुत बहुत दिल दी गहराइया चो धन्यवाद जिन्ना तुसी प्यार दे रहे हो जिन्ना तुसी चाह कर रहे हो ये मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता। मेरे वालों सब तो पहला सारे जी आयान थोड़ा चलिया होया एक एक कदम साढ़े सिर मत्थे बहुत सारे प्रोफेसर साहबान मेरी 92 मैंबरी टीम के MLA साहबान मीडिया के साथी नवे पुराने कलाकार साहबान जिन्हों बहुत सारे मैं काम करने का मौका मिलया सारे का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा। इत्थे मैं कोई शक्ति प्रदर्शन करन नहीं आया इत्थे मैं कोई किसी की निंदा चुगली करन नहीं आया उहदे लई कदे फिर मन चलावांगे क्योंकि यह एक विद्या का मंदिर है इत्थे आपां सिर्फ वो गल्लां करांगे जिहड़ियां पॉजिटिव हन। यह स्टेज ते यह हाल जिहड़ा है यह मेरे लिए ना तो नवां है ना बेगाना है। मैं बहुत बार इस श्री गुरु तेग बहादुर हाल के विचों गोल्ड मैडल जीत के लैके गया सुनाम कॉलेज लई बहुत बार इत्थे परफॉर्मेंस की फिर जदों आर्टिस्ट बन गए तो बतौर आर्टिस्ट भी इत्थे आके परफॉर्म करते रहे जदों मैं उदों प्लस वन च पढ़ता सी तो मैं दोस्तों मित्रों नाल आ जांदा सी इस हाल दे विच मैं किसी को परफॉर्म करता देखता सी तो वो एक पंजाबी का लफ्ज़ है कि मेरे लूरियाँ उठदियां सी मैं क्यों नहीं जाता इत्थे तो जनून सीगा एक जनून जनून तो बिना कोई भी मंजिल जिहड़ी है सर नहीं की जा सकती। सो बहुत बार इत्थे मैं हार के भी गया नहीं आया मेरा नंबर कोई गल नहीं अप्स एंड डाउनस इस जिंदगी का हिस्सा ने अप्स एंड डाउनस आर पार्ट ऑफ लाइफ ईवन ए स्ट्रेट लाइन ऑफ ECG इज कॉल्ड डेथ जिन्ना चिर ए करती है वो उन्ना चिर बंदे के दिल चल रहे हैं जदों सीधी हो जाती है वो लकीर डॉक्टर कह लो भाई। सो अप्स एंड डाउन जोड़े ने थोड़ी जिंदगी बहुत सारे आने घबरा नहीं होता। अजक मैं दुख हों पता लगता है जदों के 98.5% नंबर आए ने नाल दे स्टूडेंट 98.6 आ गए सुइसाइड तक भी चले गए तुसी देख लो भी जरूरी नहीं हुंदा कि हर एक 99% लेने ने किताबी कीड़ा पढ़ना है। अजकल तो बहुत ज़्यादा रस्ते खुल गए पहले बहुत मापे भी बहुत पाबंदियां लाते 80% मापे कहते मुंडा डॉक्टर बने मैं क्या फिर मरीज कौन बनूगा 80% कहते पायलट बने मैं सवारियां कौन बननगियां कल पायलट ही जाया करेंगे जहाज उन्होंने भी तो पूछ लो ना बच्चे ने वो की बनना चाहता उन्होंने पूछो की बनना चाहना वो तो थप्पया ना जाए बहुत रस्ते खुल गए हूँ तो दुनिया एक हो गई छोटा जा पिंड बन गई टेक्नोलॉजी ने छोटा जा पिंड बना। हाँ किसी नूं देख के ये ना कहो कि मैं आ बनना है अपने अंदरों पुछो तुसी की बनना आंडा आंडे की किस्मत टुटना लिखा है आंडे ने टुटना ही टुटना है पर फर्क इन्ना क्या जे अंडा बाहरली फोर्स नाल टुटता है तो अंदरली जिंदगी खत्म जे अंदरली फोर्स नाल टुटता है तो जिंदगी शुरू। अपने आप फुटो अंदरों बाहरलिया फोर्सा ते ना जाओ कि मैं आ बना दो मैं ये वर्गा बनूंगा ये वर्गा बनूंगा अपने वर्गा बनो। परमात्मा ने हर एक बंदे नूं कोई ना कोई गुण दिता है पछाणन की लोड़ है आलोचना झलनी सीखो
दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, जिहड़े आपां कपड़े पाउने आपदे वास्ते थोड़ी पाउने, लोगों को दिखाने वास्ते पाने, जे सानू इन्ने प्यारे कपड़े ने घरे घरे जाके जान सा पहले इन्हों क्यों लाने। सो तुसी तो बहुत वड्डी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, बहुत काबिल प्रोफेसर साहबान विद्वान तुहानू पढ़ा रहे ने, और विद्या तो बड़ा दान कोई होर नहीं हो सकता। तुहाडा प्लाट चोरी हो सकता है, तुहाडी गड्डी एक्सीडेंट टोटल लॉस हो सकती है, पर जिहड़ी तुहाडे कोल विद्या है इहनू कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई ठग दे ना ठगी नहीं मार सकता, वो तुहाडे इत्थे पई है बस। क्योंकि जिस तरह मंत्री साहब बोल रहे सी कि साडी यूथ च एनर्जी बहुत है पर यूटिलाइज नहीं होंदी, जिहड़े जहाज होंदे ने 747 787 777 बहुत बड़े जहाज बोइंग दे एयरबस दे, उन्होंने इंजन च बहुत ज़्यादा ताकत होंदी है, लगभग 400 तो उपर सवारियां उन्हां दा समान अपना खुद का वजन लगभग 225,000 लीटर तो वध तेल लैके वह उड जाते इन्नी तक होंगे। पर एक बहुत इंट्रस्टिंग गल दसदा थानू मैं कि जदों वह जहाज एयरपोर्ट के गेट पर लग्या खड़ा होंदा है उसकी ताकत जीरो होंदी है, क्योंकि जहाज के बैक गेयर नहीं होंदा, अगे जा नहीं सकता, बैक हो नहीं सकता। फिर एक छोटा जिहा ट्रैक्टर आउंदा है, वो ट्रैक्टर उन्हूं इदां करके सीधा कर देंदा, जहाज नूं रन भी दिस जांदा, फिर ट्रैक्टर नूं कहिंदा थैंक यू वेरी मच, हुण मैनूं आपदे इंजणां ते यकीन है। मेरे देश का सारा यूथ बहुत वड्डे वड्डे जहाज आ, तुहाडे इंजणां ते मैनूं कोई शक नहीं, पर कोई लीडर कोई इहो जिहे विद्वान जो ट्रैक्टर बन के थानू सीधा कर दे वो नहीं मिले। अपने आप कोई सीधे हो गए बिंगे टेढ़े जो हो गए तो हो गए, नहीं तो बस सानू इधरों तो कुछ मिले। त्रासदी देखो, असी आईलेट्स नू डिग्री समझी बैठे हैं, एक इंग्लिश का छोटा जा टेस्ट है, हर तीजी बिल्डिंग ते लिखा है न्यूजीलैंड जाने लिए मिलो, ऑस्ट्रेलिया वाले आ जाओ इधर, कनेडा, किसी ने कहा है कि पंजाब रहन लिए मिलो, वो मैं कहना कि पंजाब रहन लिए फिर उत्थे जाके दिक्कत आउंदियां ने, भाषा होर है, मौसम होर है। फिर मेरे कोले आउंदे सी बुलाओ जी वापस, इन्हां नूं जेल च चले गए, आपां आपदा करके उन्हां ठीक करिए भी, अपने आप को पछाण लो कि तुसी कौन, पता लग जूगा। बस एक चिड़ियाघर सीगा, उहदे विच एक शेर सीगा, किसी बाहरले मुल्क की गल है, वो शेर जिहड़ा सी पिंजरे च वो लोगों तो डरदा सी, जदों उहदे कोल लोग आउंदे सी वो डर के एक पासे हो जांदा सी पिंजरे दे, तां जिहड़े प्रबंधक सी ऑर्गेनाइजर सी उस जू दे, वो कहिंदे यार इहदे करके लोग टिकटां लैंदे ने भी इहनूं ही देखणा है जां इहदे नाल फोटो करवाउणी है, ये डर जांदा है। उन्होंने डिस्कवरी चैनल वाले एक्सपर्ट बुला ले लंडन तो, जानवरों के एक्सपर्ट, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लाते, 15 दिन हर एक्टिविटी नोट की उस शेर की, 15 दिन बाद हैरानीजनक नतीजे ते पहुंचे, स्टनिंग रिजल्ट। वो कहिंदे इहदी माँ भी पिंजरे सी, ये पैदा पिंजरे च होया है, इस करके इनू पता ही नहीं कि मैं कौन हाँ। शेर नू
ये नहीं पता कि मैं कौन हाँ, क्योंकि माहौल नहीं मिले उन्होंने शेर बनने का। वो जो जंगल च हों अपने झुंड न अपने मां अपने साथियों बड़े बड़े झोटियां गर्दन तो फड़ के डेगदा देखता फिर वो आपके पंजे चला फिर शेर बनता। हूँ तो उत्थे बनया बनया मीट मिली जाता हूँ पता ही नहीं मैं कौन हाँ। इस करके मैं ये कहना चाहना कि हर बार शेरनी दे पेटों पैदा होने का मतलब भी शेर नहीं होंदा, माहौल शेर बनाउंदा। सो प्रैक्टिकल वल ध्यान दिओ ज़्यादा, थ्योरी तो तुसीं कर ही रहे हां, प्रैक्टिकल। अज मैं बीसी साहब नाल गल कीती, सारे प्रेजेंटेशन इन्होंने दिती, मैनूं बड़ा दुख होया कि चलो किसान तक रजाई ने कई बारी इंडस्ट्री वाले भी करजे थले आ जाते हैं, कई आप लोन तो कार भी ले लेंगे, पर मैं दुख इस गल का होया कि साड़ी विद्या भी करजई है, मतलब करजई विद्या चो की पढ़ांगे आप। फिर मैं थोनों ये गरंटी देना बड़ी जल्दी पंजाबी यूनिवर्सिटी की विद्या जी है वह कर्जा मुक्त हो जाए। किसी नूं पैसे करके पैसे की घाट करके उचेरी सिक्ख्या तो वांझा नहीं रहना पऊगा। और आपां सिर्फ पहला स्कूल दियां कंधां ते लिखे ही देखते सी विद्या मनुख का तीजा नेत्र है, सेवा ले आओ सिखण लई, सिखण लई आओ सेवा ले जाओ, इदां ही रह गया वो तां लिखे लिखाए। स्कूल खाली पे ने टीचर तो उस स्कूल के सामने जी पानी की टैंकी है वह भरी पी है टीचर वो कहते सानू रख लो, कहते ना जी तुम टैंकी से रहो, उन्होंने थले ला प्यार ना रहेंगे अपनी धियां पुत ने थले। विद्या का म्यार जोड़ा है वह वर्ल्ड क्लास किया जाऊगा। मैं जदों सत्तवीं क्लास पढ़ता सी मेरे डैडी साइंस मास्टर सी उस स्कूल दे विच मैं जाता सी, तोलावाल पिंड है मेरे पिंड तो 3 किलोमीटर है, साइकिल ते जांदे सी नाल ही उन्होंने मैं वापस आ जाता सी। तो साडे पंजाबी दी टीचर ने एक हाउस टेस्ट जलिया फीस माफ़ी की अर्जी लिखो। फीस माफ़ी की अर्जी की होंदी है, सेवा विखे श्रीमान मुख अध्यापक सरकारी मिडल स्कूल फलाना, श्रीमान जी मेरा नाम आ है, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हाँ, 6वीं क्लास चो मैं फस्ट आया सी, 7वीं चो मैं फस्ट आऊँगा, पर साढ़े घर के आर्थिक हालत बहुत खराब है, मेरे पिता जी एक चपरासी हैं, असी 3 भैन भाई हाँ, तो वो स्कूल की फीस नहीं दे तो असमा ओ स्कूल की फीस देने तो असमर्थ हैं, कृपा करके मेरी पूरी की पूरी फीस माफ़ की आप जी आगे कर रोल नंबर इदा होंगे। मैं लिख तो दिती, मैनू 9.5 नंबर भी आ गए 10 चो, नाल वेरी वेरी गुड भी लिखा, नाल मैडम ने दूजा भी कहा ऐ होंगी अर्जी आ देखो, पर मैनू कोई बहुत ही खुशी नहीं हो रही थी। मैं जी डैडी जी पूछूंगा जाते हुए तो साइकिल पर जा रहे थे, मैं क्या जी रुको 1 मिनट, मैं क्या जी तुम सानू क्यों पढ़ाने हो, कहने ता कि अकल आवे दुनिया की समझ आवे है ना, सच तो झूठ का तुम्हें फर्क पता लगे। मैं क्या जे मैं कह कि तुम सानू झूठ पढ़ा रहे हो, कहते कि मैं वो कापी कढ़ी मैं डैडी दे मुंडे रख आप पढ़ो जी, मैं कहते बहुत वधिया नाल तो नंबर बहुत वधिया आए हैं तो नाले वेरी गुड। मैं क्या सर पहली गल तो अर्जी मैं थोनू लिख रहा एडमिट तो तुम हो तो बिच मैं कही जाना चपड़ासी है
ये झूठ है जी। तो नंबर दो तो तुझे तीन भैन भाई हैं, मैं कहा मेरी छोटी भैन है एक, तीजा कितने कि भैन भाई है। तो मेरे डैडी जी ने कहा कहते पुत जिन्ने चिर गरीबी नहीं दर्शाई जाऊगी उन्ना चिर फीस माफ नहीं होगी। मेरे मूहों निकल गया नहीं सोते सवा, मैं क्या जे कि यह जहा पेन आ गया कि असी अर्जियां बदल सकते हुई ये अर्जियां रहनगियां तो यही, पर पॉजिटिव वे ना रहनगियां कि मेरे मेरे पिता जी गरीब ने फीस नहीं भर सकते। मैं नहीं कहता कि माफ़ कर दो मेरी फीस उधार कर दो, मैं वादा करदा मैं जज बन के मैं DC ला के अफसर बन के ब्याह समेत इस फीस जी वापस कर दूँ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ, ਫੀਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫੀ, ਸਭ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਸਿਖਾਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਮਾਫੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ 'ਚ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਰਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਮੀਲੋਂ ਮੈਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ, ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਕੋ ਮੀਲੋਂ ਮੈਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ, ਕੌਮ ਕੋ ਕਬੀਲੋਂ ਮੈਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ, ਇੱਕ ਬਹਿਤਾ ਦਰਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼, ਇਸਕੋ ਨਦੀਓਂ ਔਰ ਝੀਲੋਂ ਮੈਂ ਮਤ ਬਾਂਟੀਏ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨਗ ਦੀ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਥ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨਗ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ 1, ਅਤੇ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।